नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। बहुत दिन से आपका कमेंट का जवाब नहीं मिल रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि कमेंट का जवाब कुशवाहा की तरफ से क्यों नहीं आ रहा है। अभी आरसीटी में मेरा ड्यूटी चल रहा है, पटना आरसीटी में, और मैं आपको बहुत आप लोग का सवाल रहता है कि ट्रेनिंग कहाँ से लें। तो केंद्र सरकार द्वारा वो व्यवस्था चलाया जा रहा है, बहुत दिन से चलाया जा रहा है, लेकिन आप लोग को जानकारी के अभाव के कारण आप जहाँ तहाँ से ट्रेनिंग लेना भी चाह रहे हैं या फिर भटक रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेनिंग कहाँ से लें। तो बिल्कुल फ्री किस तरीका से ट्रेनिंग लिया जा सकता है अपने ज़िले में रहते हुए, एक बिना एक रुपया खर्च किए हुए आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो भी मान्यता प्राप्त। वो डिग्री आपको प्रदान किया जाएगा जिसके वजह से आप लोन बैंक से लोन ले सकते हैं और सभी जगह उसका मान्यता आपको मिलेगा। बैंक से लोन ले सकते हैं, सब्सिडी के लिए फार्म भर सकते हैं और अपना व्यवसाय कर सकते हैं। तो आरसीटी में मैं क्लास ले रहा हूं, जहां मैं बकरी पालन और गाय पालन पढ़ाता हूं, मेरा ड्यूटी है पटना आरसीटी में। इसी तरीका से सभी जगह, मैंने भारत के जितने ज़िले हैं सभी ज़िले में आरसीटी द्वारा पढ़ाया जाता है। आपको ये पता करना होगा, स्वयं पता करना होगा, और ऐसा आपको पशुपालन पदाधिकारी के से जाके संपर्क करके आप पता कर सकते हैं कि आप वहाँ ये सवाल कर सकते हैं कि मेरे एरिया में आरसीटी द्वारा ट्रेनिंग कहाँ होता है। तो वहाँ वो आपको बताएंगे, हर ज़िले में, क्योंकि ये प्रोवाइड किया जा रहा है आरसीटी द्वारा ट्रेनिंग, बकरी पालन, मोबाइल रिपेयरिंग, हर चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाता है आरसीटी द्वारा, हर ज़िले में है। तो आप अपना ट्रेनिंग लेके अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री है, कोई उसमें खर्च नहीं होता है। जिस तरीका से मैं पटना आरसीटी में पढ़ा रहा हूँ, अभी मेरा यहाँ ड्यूटी है, तो इन लोग से पूछिए, मैं पूछता हूँ इन लोग से कि यहाँ ट्रेनिंग ये ले रहे हैं तो क्या इनको क्या सुविधा दिया जा रहा है आरसीटी की तरफ से। आप आरसीटी में यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कॉपी किताब ड्रेस या फिर पढ़ाई में कहीं से कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं है, सब सुविधा यहाँ मिल रहा है, सब सुविधा। रहने रहना का, हाँ, रहने यहाँ आपको जो कॉपी देख रहे हैं, देखिए आरसीटी की तरफ से कॉपी, कलम, ड्रेस और तीन टाइम का खाना, तीन टाइम का खाना दिया जा रहा है, कोई तरह की दिक्कत नहीं। रात में जो लोग रुकते हैं, या रुकना ही है, नियम है कि रात में आराम से यहीं रहें, ताकि आपको सवेरे अगर कहीं से आते हैं तो आपको देरी हो जाएगा, तो पढ़ाई आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सवेरे 9 बजे से क्लास शुरू हो जाता है, 8 घंटे का क्लास प्रतिदिन का है, तो कहीं से कोई परेशानी लोग को नहीं है। जैसे आप बताइए, थोड़ा सा मास्क उतार लीजिए थोड़ा देर के लिए। आपको जो दिया गया है कॉपी है या ड्रेस है या कोई भी, क्या क्या सुविधा यहाँ ट्रेनिंग के दौरान आपको दिया जा रहा है? यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे टी शर्ट है, कलम कॉपी है, बुक है, रहने सहने का व्यवस्था है, खाना है, खाना भी अच्छा ढंग से मिलता है, कोई तरह के किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है यहाँ पे ट्रेनिंग, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई लागत कोई पैसा इसमें नहीं है, सिर्फ यहाँ करना है अपने मर्जी से और है जो अपना करना है। ट्रेनिंग के दौरान टोटल लगने वाले सामग्री बिल्कुल फ्री दिया जाता है, कॉपी से लेके पेन तक, और बिल्कुल प्रशिक्षण। अभी मैं बकरी पालन का चल रहा है, जिसका मैं टीचर हूँ, बकरी पालन और गौ पालन मैं इस आरसीटी में मैं ही पढ़ाता हूँ। तो अभी मेरा ये ड्यूटी यहाँ है, इसीलिए मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा था। तो मैं आप लोग को बीच में ये वीडियो इसलिए जारी कर रहा हूँ ताकि आप लोग का बहुत सा कमेंट आता है कि ट्रेनिंग कहाँ से लें। तो आप चाहें तो अपने ज़िले से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, हर जगह के लिए है, और बिल्कुल खाना पीना सब फ्री, और सर्टिफिकेट जो यहाँ से दिया जाएगा वो बिल्कुल मान्यता प्राप्त केंद्र द्वारा होगा। आप कहीं से इस पर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका टर्म कंडीशन ये है दोस्तों कि आप जिस ज़िले से हैं, यानी आपके आधार कार्ड में जिस ज़िले का नाम लिखा हुआ है उसी ज़िले से आपका ये ट्रेनिंग मिलेगा, दूसरा ज़िला में आप नहीं कर सकते। मैंने यानी कि हर ज़िले का अलग अलग आरसीटी द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता है, आरसीटी द्वारा जो संस्था चल रहा है केंद्र सरकार का, हर ज़िले का अलग अलग है। उसमें यह है कि आपको एज 18 साल से 45 साल के अंडर में होना चाहिए, 45 साल से एभव वाले को ये सुविधा नहीं है, और बीपीएल वाले जो हैं, बीपीएल कार्डधारी जो परिवार हैं उनके लिए प्राथमिकता है, उनको 70% उनका पहले मौका दिया जाएगा, 70% सीट उनके अनुसार बीपीएल वाले हैं उन्हीं का भरा जाएगा। अभी बैच 25-25 का चल रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए क्लास लेना पड़ रहा है, और मास्क लगा के थोड़ा सा अभी मास्क हटाया गया है ताकि कुछ लोग से पूछ लिया जाए, नहीं तो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग में रह के काम किया जाता है। तो यहाँ हर तरह की सुविधा है, कोई किसी तरीका का पैसा आपसे मांगा गया कभी? नहीं सर, अभी तक एक भी रुपया हम लोग को नहीं देना है सर, और न कभी मांगा गया है सर।
एक भी रुपया का खर्च नहीं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तो आप अपने ज़िले से संपर्क करके ट्रेनिंग ले सकते हैं। बकरी पालन का ट्रेनिंग मैं यहाँ दे रहा हूँ, तो कैसा आपको कैसा लग रहा है जो मैं बकरी पालन आप पढ़ा रहा हूँ? आज मेरा 5वां दिन क्लास का है, तो 10 दिन का क्लास होता है जिसमें 7 दिन मैं बकरी पालन का पढ़ाता हूँ। उसके बाद बैंकिंग के बारे में समझाया जाता है, विजिट कराया जाता है फार्मों का, बहुत कुछ और भी है। तो क्या मैं बकरी पालन पढ़ा रहा हूँ उससे आप संतुष्ट हैं? अच्छा लग रहा है? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, जो सुनने में भी अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है। समझ में आ रहा है जी। मैंने ऐसा कभी आपको लगा कि हाँ सरकारी है तो टाइम पास किया जा रहा है, ऐसा लगा कभी आपको? ऐसा नहीं लगा है। मन से पढ़ाई हो रहा है? बहुत बहुत मन से पढ़ाई हो रहा है, जो कि बहुत समझ में आ जा रहा है। हाँ, तो मेरा कहने का, वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि आप लोग अपने ज़िले में जाके, आपका हक है दोस्तों मित्रों, या आपका हक है, अपने ज़िला में जाएं और पशुपालन पदाधिकारी से संपर्क करें। आपके ज़िले में RCT द्वारा ट्रेनिंग कहाँ दिया जाता है? अब ये कमेंट मुझसे करके पूछेंगे तो मैं नहीं बता पाऊँगा, इतना तो आपको खुद करना होगा। क्योंकि मैं यही इशारा कर सकता हूँ कि लगभग हर ज़िले में, भारत के हर ज़िले में RCT द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता है, जो कि आप पूरा आपका हक है। आप जाके अपना ट्रेनिंग वहाँ से अपना नाम नामांकन करा के ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। अगर BPL में, अगर BPL कार्डधारी हैं तो आपको तुरंत मौका मिलेगा, अन्यथा BPL में नहीं है तो थोड़ा सा आपको वेटिंग करना पड़ सकता है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ बकरी पालन ही नहीं, बकरी पालन, गाय पालन, मधुमक्खी पालन, जो बहने ब्यूटिशियन का काम करना चाहती हैं उनका ब्यूटिशियन का भी ट्रेनिंग दिया जाता है। बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे कि इसमें देखिए बहुत सारे इसमें वर्णित हैं, सबके लिए अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। कोई साधारण व्यक्ति इसमें नहीं पढ़ा सकता, जो स्पेशलिस्ट है जिस विषय का वही पढ़ा सकता है। जैसे मैं पहले ही बोला कि जब मैं बकरी पालन गाय पालन यहाँ मैं पढ़ाता हूँ तो समझ लीजिए, तो इसमें बहुत सारे हैं। टेलर के बारे में, टेलरिंग पढ़ाया जाता है, मोबाइल रिपेयरिंग पढ़ाया जाता है, बहुत कुछ है। मधुमक्खी पालन, मशरूम के बारे में, जो होम मेड प्रोडक्ट हैं उसके बारे में, कैसे हम बना के अपना जीविका चलाएं, उसके बारे में बहुत सारे रोज़गार के अवसर यहाँ प्रदान किए जाते हैं। पढ़ाने के उपरांत फिर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि मान्यता प्राप्त होता है, जिससे आप बैंक द्वारा सब्सिडी और सरकार द्वारा, बैंक द्वारा लोन और सरकार द्वारा सब्सिडी आप ले सकते हैं, जो भी सब्सिडी का निकला हुआ है उसके अनुसार। तो मैं यहाँ बकरी पालन पढ़ाने में भी व्यस्त हूँ बैक टू बैक, इसलिए मैं आप लोग का कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। इसलिए थोड़ा सा मैं ये वीडियो बना दिया ताकि आप लोग भी इस तरीका का फ्री का ट्रेनिंग ले सकते हैं। क्योंकि अगर फ्री का मिल रहा हो तो ऐसा नहीं है, एक बात और सुन लीजिए, ऐसा नहीं है कि फ्री का ट्रेनिंग मिल रहा है तो बस सर्टिफिकेट ही आपको काम आएगा, ऐसा नहीं है। जहाँ से आप ट्रेनिंग लें वो टीचर से आपको खोद खोद के सवाल करने हैं ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट के लालच में ही सिर्फ आप चले गए और ट्रेनिंग पूरा नहीं लिए तो बाद में आपको सर्टिफिकेट आपको बकरियों का जान नहीं बचाएगा, या कोई भी ऐसा रोज़गार नहीं है जो सर्टिफिकेट उसको बचा लेगा, जानकारी ही सब चीज़ कर सकता है। तो मेरा यही संदेश आज का वीडियो में है कि ताकि आप लोग अपने नज़दीकी RCT में जाके फ्री ट्रेनिंग का लाभ उठाएँ और मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट लेके अपना काम करें। और यदि ऐसा कुछ नहीं है तो उसके लिए तो फिर बाद में उमेश कुमार कुशवाहा आपके साथ हैं ही, लेकिन मैं बिना कोई स्वार्थ का, मेरा चैनल चलता है, मेरा बस यही सोच है कि आप लोग को जितना हो सके मैं किसी भी न किसी माध्यम से आपका। हेलो दोस्तों, मैं जिसे बताया था कि RCT में जो जो आपको सुविधा दिया जाएगा, या ये भारत के सभी राज्यों में RCT द्वारा ट्रेनिंग प्रशिक्षण चलाया जाता है, बहुत तरह की चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं जो बिल्कुल फ्री होता है। तो हमारे RCT पटना के जो मेन हमारे संकाय हैं राजकुमार सर, फैकल्टी जो मेन यहाँ के हैं पटना RCT के, उनसे मैं पूछूंगा ताकि आप लोग को ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो क्या क्या यहाँ सुविधा RCT द्वारा आप लोग को मिल सकता है और क्या क्या दिया जाता है सुविधा, सर बताएँ। सबसे पहले आप YouTube चैनल देखने वाले, उमेश जी के चैनल को देखने वाले सभी को नमस्कार। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में भारत के प्रत्येक जिला में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है, जहां पे उस जिला के जो भी 18 से 45 आयु वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवती हैं वो इस संस्थान में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे दो तरह का प्रशिक्षण होता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप का प्रशिक्षण होता है। एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग उनको पढ़ाते हैं कि कोई भी बिजनेस करने के पहले उनको कौन कौन से एक्टिविटी करना है, काम शुरू करने से पहले सबसे पहले अचीवमेंट मोटिवेशन कराते हैं कि कैसे आप बिना पूंजी के भी, बिना पैसे के भी, आप बिना ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी बिजनेस कर सकता है और अपने ऊंचाई तक जा सकते हैं, बहुत ऊंचा तक जा सकते हैं, उसको अचीवमेंट मोटिवेशन के द्वारा उसको बताते हैं, प्रभोग करते हैं कि अभी आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही उसको मार्केट सर्वे बताते हैं कि मार्केट में
आपको काम करना है, बिजनेस करना है, तो कैसे आप मार्केट सर्वे करिएगा, लोगों से कैसे बात करिएगा, कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में देखिएगा कि उसका क्या काम है, कैसे उसमें आगे बढ़ा जा सकता है, उसके बारे में बताते हैं। साथ ही साथ 15 कॉम्पिटेंसी के बारे में विस्तृत रूप से बताते हैं कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए कौन कौन से कॉम्पिटेंसी होता है, तो कैसे कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में बताया जाता है, सारे एक्टिविटी कराते हैं। साथ में जो जिस काम को करना चाहते हैं, जैसे कोई बकरी पालन करना चाहता है, कोई मुर्गी पालन करना चाहता है, कोई गाय पालन करना चाहता है, या कोई ब्यूटी पार्लर करना चाहता है, तो उस सब्जेक्ट के जो विशेषज्ञ होते हैं, जैसे कोई वेटनरी डॉक्टर हो गए, या कोई एक्सपर्टीज हो गए, या फिर कोई उस विषय के विशेषज्ञ हैं, उनको हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में बुलाते हैं। हमारा पटना जिला में 23 ब्लॉक है, 300 ब्लॉक के हम जाकर वहाँ के लोगों को अपने आरसेटिक के द्वारा चलाया जा रहा है प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। जैसे हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का होता है, वोमेंस टेलरिंग का होता है, मोबाइल रिपेयरिंग का कराया जाता है, LNB ड्राइवर का, LNB ओनर ड्राइवर का होता है, घरेलू विद्युत उपकरण का होता है, अगरबत्ती निर्माण का होता है, गाय पालन का होता है, बकरी पालन का होता है, मछली पालन का होता है, डेस्कटॉप पब्लिकेशन का होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का होता है, EDP4 PMEGP होता है, फास्ट फूड का ट्रेनिंग दिया जाता है, प्लम्बिंग एंड सैनिटरी का दिया जाता है। हमारा कोशिश होता है कि यहाँ का जहाँ पे लोगों को रोजगार मिल सके और उन सभी लोगों को जो नीड है जिससे पैसा कमा सके, उन विषयों में हम लोग यहाँ प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षणों के उपरांत 2 साल तक उनसे हम लोग फॉलोअप करते हैं, उनको काम करने में जो परेशानियां आती है, जो दिक्कतें आ रही होती है, उन दिक्कतों के बारे में उनसे बात करते हैं, पर उनको सॉर्ट आउट कराते हैं। अगर उनको फाइनेंस का दिक्कत होता है, पैसे का दिक्कत होता है, तो जो उनका सर्विस ब्रांच है उस सर्विस ब्रांच में जाके उनसे फॉलोअप करके उनको बैंक से फाइनेंस करवाते हैं। और भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है, उन सब्सिडी का भी फायदा उनको उठवाते हैं, ताकि वो स्वरोजगार अपना स्थापित कर सके और हमारे यहाँ से स्वरोजगार स्थापित करके आगे बढ़ सके। हमारा संस्थान 2007 से चल रहा है, अभी तक करीब 8000 से ऊपर लोगों का हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया है, जिसमें से 70% लोग सेटल हैं, मतलब काम कर रहे हैं, और उसमें से करीब 20% लोग बहुत ज्यादा सफल है, जिनका 40 से 50 हजार तक इनकम हो रहा है अलग अलग सेक्टर में। सर हम ये पूछना चाह रहे हैं और सबको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि अब सवाल इतना रहता है कि ट्रेनिंग कहाँ से ले, मेरे राज्य में कहाँ मिलेगा, क्या RCET द्वारा जो ट्रेनिंग दिया जाता है सभी भारत के सभी राज्यों में दिया जाता है, या फिर पटना में ही सिर्फ होता है, जैसे मैं बताया हूँ सभी राज्यों में दिया जाता है, तो आप क्या कहते हैं इसके? नहीं, ये भारत के प्रत्येक जिला में दिया जाता है और सारे जगह एक ही कोर्स पढ़ाई होता है। ऐसा नहीं है कि पटना में कुछ और पढ़ाई हो रहा है, भागलपुर में कुछ और हो रहा है, मुंबई में कुछ और हो रहा है, उड़ीसा में कुछ और हो रहा है। सारा कोर्स मॉडल डिजाइन ग्रामीण विकास मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने किया है। सारा का कोर्स मॉडल वही डिजाइन करता है, हम लोग केवल उसको बताते हैं उस कोर्स मॉडल को। टोटल इसमें तो कोई पैसा लगता नहीं है, टोटल फ्री है, बिल्कुल सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे रहने का व्यवस्था है, पूरा पूरी तरह रेसिडेंशियल है। हमारे यहाँ 25 लोगों की कैपेसिटी है, 25 लोग एक बैच में रहते हैं। दूसरा, यहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट खाना देते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात में खाना, साथ साथ ट्रेनिंग में जो मटेरियल लगता है, जो ट्रेनिंग में सामान लगता है, वो सारा कुछ हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। कस्टमर उनको यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड कराते हैं, उनको जो भी कलम किताब कॉपी और MT मैनुअल हमारा है वो भी उनको प्रोवाइड करवाते हैं, उनको कोई चार्जेज नहीं देना होता है। दोस्तों, मेरा वीडियो दिखाने का मतलब, मैं पहले भी और बताते रहा हूँ, हर वीडियो बताते रहा हूँ कि ट्रेनिंग लेके कोई भी काम करे, तो जैसे मैं यहाँ बकरी पालन पढ़ाता हूँ और आप ऐसे भी मुझे जानते हैं कि बकरी पालन का विशेष रूप से मेरा ये चैनल है, तो RCET द्वारा आप जैसे सर बताए हैं कि RCET द्वारा बहुत तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, अगरबत्ती बनाना, मधुमक्खी पालन, बहुत कुछ, और आप जिस राज्य से हैं, प्रत्येक जिला में, हर राज्य के प्रत्येक जिला में प्रशिक्षण दिया जाता है, तो आप पता करें आपके जिले में दिए जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खाना रहना सारा व्यवस्था आपको सरकार की तरफ से है, और वो मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे अपना व्यवसाय आप कर सकते हैं और बैंक से लोन वगैरह मिल सकता है।
और यदि फार्म आप भरते हैं अगर सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी का ऐसा कुछ निकला हुआ है तो आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल अपना ट्रेनिंग लेकर अपना रोजगार शुरू करें। और बकरी पालन के लिए लोग जो आप इधर उधर कर रहे हैं, तो आप बकरी पालन के लिए भी जिस राज्य में आप हैं उस राज्य के RCT से आप संपर्क करें, आप पता करें और पता करके अपना ट्रेनिंग शुरू करें। जिला का लीड बैंक है, आप अपने जिला के लीड बैंक में जाएंगे, जो पता करेंगे कौन हमारे जिला का लीड बैंक है, वहां से संपर्क कीजिए कि आपका सर ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का ऑफिस कहाँ है, और उस ऑफिस में जाइए, वहां से आपको सारा कुछ विस्तृत है, आप अपनी इच्छा अनुसार विषय में प्रशिक्षण फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। सारी सुविधा जो यहाँ मिल रही है वो पूरे भारत के प्रत्येक जिला में मिल रहा है। ये बिल्कुल मान्यता प्राप्त है, कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, केंद्र सरकार का है। हर जिले का अलग अलग लीड बैंक होता है, जैसे पटना का पंजाब नेशनल बैंक है, हर जगह का अलग अलग लीड बैंक होता है, वहां जाके आप बैंक में पता कर सकते हैं। और नहीं तो जैसा मैं बोला, पशुपालन पदाधिकारी से या कोई भी पशुपालन विभाग के कोई भी कर्मचारी हो, छोटा से बड़ा कोई भी, सब जानते हैं कि अपने जिला में कहाँ दिया जाता है, वहाँ भी पता आप कर सकते हैं। मेनली लीड बैंक पता करके अगर बैंक में आप डायरेक्ट जाके पता करते हैं तो वहां से आपको बता दिया जाता है कि मेरा प्रशिक्षण RCT वाला जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो कहाँ दिया जा रहा है। तो किसी भी विषय में अपना प्रशिक्षण मान्यता प्राप्त करके अपना काम कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।